The maturation of red blood cells does not depend on फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि फॉलिक एसिड विटामिन B12 अगर आप ये मैचुरेशन पाथवे देखेंगे तो हीमोसाइटोब्लास्ट स्टेम सेल्स होती हैं जो कमिटेड सेल्स यानी कि प्रोरेथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होती, प्रोरेथ्रोब्लास्ट देन से अर्ली रेथ्रोब्लास्ट देन लेटर रेथ्रोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है, देन नॉर्मल ब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है, देन रेटिकुलोसाइट एंड देन एरिथ्रोसाइट्स। इसमें तीन फेजेस मिलती हैं हमें डेवलपमेंटल पाथवे में, पहली राइबोसोम सिंथेसिस, सेकंड हीमोग्लोबिन एक्युमुलेशन एंड थर्ड वन इज इजेक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो इरिथ्रोब्लास्ट से इरिथ्रोसाइट के फॉर्मेशन के लिए कौन फंक्शन करता है? फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 फंक्शन करते हैं, विटामिन B12 फंक्शन करते हैं, बेसिकली डीएनए सिंथेसिस को प्रमोट करने का काम करते हैं। तो फॉलिक एसिड और विटामिन B12 नहीं होगा तो डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी। और हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए कौन फंक्शन करते हैं? पाइरिडॉक्सिन यानी कि विटामिन B6 फंक्शन करते हैं, बट टोकोफेरॉल फंक्शन नहीं करते हैं इन द मैचुरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट।